बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने YouTube चैनल पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं उनके लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह बनाएं। हम में से बहुत से लोगों को फोटोशॉप नहीं आती होती, और मुझे भी फोटोशॉप पे काम करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियोस के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बना देता हूँ, जिस तरह के आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं किस तरह से थंबनेल बनाता हूँ। तो उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो है canva.com। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ये रेड कलर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हम canva.com को ओपन करेंगे। व्यूअर्स, canva.com ओपन हो चुकी है। इस पर पहले हमने अकाउंट बनाना होता है, बहुत ही सिंपल है। इस पर अकाउंट बनाना, आप अपने ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए इस पर आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये एक फ्री टूल है, मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं उससे लॉग इन हूँ। तो हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमने जो भी अपना डिज़ाइन करना हम इस पर कर सकते हैं। तो अभी हम थंबनेल करने लगे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल। जैसे हम YouTube थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो उसकी कंप्लीट डायमेंशंस के साथ हमें उसने एक ब्लैंक थंबनेल ओपन कर दी है, जिसपे हम अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने चैनल से कोई वीडियो सिलेक्ट करता हूँ जिसका थंबनेल हम चेंज करेंगे, नया बना के लगाते हैं। वीडियोस पे आते हैं। इंटरनेट की स्पीड मेरा ख्याल आज थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से टाइम ले रही है। किस वीडियो का सिलेक्ट करें? चलें, हम ये हमारी एक वीडियो है, 15 बिजनेस आइडियाज़ टू स्टार्ट इन रेजिडेंशियल एरिया। तो हम इसका थंबनेल जो है वो आज चेंज करने के लिए हम नया थंबनेल इसका डिज़ाइन करते हैं। ये थंबनेल मुझे ज़रा पसंद नहीं आ रहा। चलें, हाँ, अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है, कोई जो हम रखना चाहें। चलिए, इसको ये चूज़ कर लिया। इसके बाद मैं इस पर अपनी तस्वीर लगाना चाहता हूँ, मैंने अपलोड करके रखी हुई है, ये पड़ी हुई है। इस पर क्लिक करके मैं करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप का टूल है ये, आप बहुत प्रोफेशनली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये साइड पे जो बार आ रही है इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हेडिंग लिखने के लिए हमें दे देगा। अच्छा, इस पे हमारा वीडियो का टॉपिक था 15 बिजनेस आइडियाज टू स्टार्ट, तो हम इस पे लिखना चाहेंगे तो इस पे हम लिखते हैं 15। अच्छा, तो इसके बाद हम दोबारा से एक नया टेक्स्ट ऐड करते हैं, बिजनेस के। इसके बाद एक और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, आइडियाज टू। अच्छा, इसके बाद एक और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, इसमें हम कैपिटल में लिखते हैं स्टार्ट। अब हमने अपना सारा टेक्स्ट राइट डाउन कर लिया है, इसकी अब हम सेटिंग कर ले कि हम इसको किस तरह शो करवाना चाह रहे हैं। इसकी सेटिंग, अच्छा ये देखिए, मैं इसको ड्रैग करके जिस तरह मुझे वो खूबसूरत नजर आए मैं उसको उस तरह से सेट कर लूंगा।
इसकी हमने मतलब इस साइड से राइट साइड से इसको बराबर कर दिया। अब ये 15 को हम थोड़ा सा बड़ा करके इन तीनों लाइनों के बराबर ले आएंगे। थोड़ा सा और बड़ा करने से हाँ बेहतर लग रहा है। अच्छा तो हमने इसको सेटिंग कर ली इसकी, लेकिन ये सारे अलग अलग से हैं तो इसको हम चाहते हैं कि ये वन यूनिट बन जाए ताकि हम इसे इजीली ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकें, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकें। तो हम इसको पहले ये 15 वाले टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया क्लिक करके, उसके बाद हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और बिजनेस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट को भी प्रेस करते हुए फिर आइडियाज वाले टेक्स्ट को और फिर स्टार्ट वाले को, ये सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हमें ऊपर बार में ये ऑप्शन नजर आ रही ग्रुप की, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये एक ग्रुप बन गया है। अब हम इसको जब मूव करेंगे तो ये सारा इकट्ठा मूव करेगा, इसको हम बड़ा छोटा इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं इस तरह से करके, ये हमने इसको यहाँ पे सेट कर। अच्छा अब इसका कलर हम सारा कलर थीम चेंज करनी है तो इसको हम करते हैं कि बाकी को वाइट रहने देते हैं, जो स्टार्ट है इसको हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये ऊपर आएंगे हम ये टेक्स्ट कलर में, मैं चाह रहा हूँ इसका कलर मैं येलो कर दूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च बार में येलो लिखूँगा तो ये येलो कलर मेरे पास आ गया, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए अब पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ इसमें मैं कोई और इमेज भी ऐड कर दूँ, लेट मी चेक, मुझे कोई इसमें इसके अच्छा ये पड़ा हुआ है कि मुझे मेरे पास, मैं इस पर ये क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे जो जगह है उसको फिल करने के लिए इसकी सेटिंग करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये देख आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से टाइम में बहुत एक अट्रैक्टिव किस्म का थंबनेल बना दिया है। सिंपली अब इसको मैं डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा कि मैंने PNG में करना है, JPG में करना है। PNG या JPG में आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके डाउनलोड्स में ये जो है वो जा चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।